नमस्कार सकाल अनेक ताजा ताजा खबर सहित तो अपूर्वा आपको स्वागत करुच्ची सतेज खबर को नमस्कार मुनिवेदिता अपूर्व आम जमी सतीश सकाल रे आलोचना करिबा आबे गतकाली मध्य प्रथम आरंभ करथिले जे सतीश सकाल रे प्रकृतरे अपूर्व आम जो लीड स्टोरी रहिता है विशेष करी खबर कागज रे जो स्टोरी गुडीको शिरोनामा पलटि थाए से सब लीड स्टोरी को नै आम आलोचना करथांती जो प्रश्न गुडीको रहिछि से प्रश्न को नै आम आलोचना करथांती जेंती अपूर्व आम आज प्रथम स्टोरी रखिछंती जे प्रलय रचिला ताउते आपण जानिथिबे जे किभळि भाबे महाराष्ट्र गुजरात रे व्यापक क्षति घटाइछि ताउते एवं यार प्रभाव रे अनेक धनजीवन नष्ट होइछि आसेत अनेक एवं घर कथा जदि कहबा भांगी पड़ी एमती कि जीवन हानि मध्य घटी बिल्कुल 185 किलोमीटर बेगरे पवन बहुत गुजरात स्थलस्थल यहाँ मध्य चित्र आसूच बड़ कथा एपर्यंत महाराष्ट्र में 6 जन मृत्यु होती जदयू एपर्यंत गुजरात में काजुआलिटी संख्या सामना को आसी ना कि कहुच्छे आज दिन तमाम वर्षा जारी रही है केवल गुजरात नुह यहाँ राजस्थान मध्यप्रदेश दिल्ली में सामान्य वर्षा होपटे गुजरात छुईवा पूर्व ताउते प्रथम गोवा केरल एवं कर्णाटक सहित महाराष्ट्र में प्रभूत क्षति घटाई तो ताउते कहु गुजरात में विगत 23 वर्ष भितर सबुठ बड़ बात्या कारण यहाँ पूर्व दुई दशंधि तले जा बात्या बड़ बात्या एकाथर 6-7 राज्य को प्रभावित करें तेणु आप अनुमान करेंगे जे ताउतेर प्रभाव ताउतेर तांडव केते परिमाण जार चित्र आम आपको देखा कि भाव गछ उपर गाड़ी उपर गछ पड़ी इलेक्ट्रिक पोल भांगी किसी विमानबंदर को बंद कर मुंबई विमानबंदर को बंद कर गुजरात गोटे दुईट विमानबंदर को बंद कर महाराष्ट्र गुजरात में व्यापक क्षयति होती स्टैंड बाय रही 180 टी सेनार टीम तो एनडीआरएफ स्टैंड बाय रही उधार कार्य लगी एसडीआरएफ टीम उधार कार्य लगी राज्य प्रशासन तरफ तमाम व्यवस्था कर 2 लाख लोक स्थानांतर कर सूचना आहुँचु जहाँ सूचना आसूसी समुद्र में 410 जन फसिक अच्छा अवस्था कौन हो मृत ना जीवित अच्छा से सुरक्षित अच्छा कि ना ये आशा आशंका अपूर्व जमी जहाँ खबर कागज रही पाखापाखी 410 जन जदि कह फसी रही सब बड़ कथा हूँ अपूर्व आपत कहते जे दीर्घ 23 वर्ष भितर ये जो महावात्याटी आसी जो ताउते कथा कह अधिक प्रभाव पकाई विशेषकर पाखापाखी 9 जनकर जहाँ महाराष्ट्र में पाखापाखी 9 जन आहत होती या सहित 6 जनकर मृत्यु होता जहाँ कह तो ये ताजा अपडेट पे अच्छे नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल गगन ताउतेर प्रभाव एवं कौन समय गढ़ा सहित प्रभाव कमुची ना एवं से तांडव लग रही देख निश्चित भाव अपूर्व सकाल जो स्थिति था गत काली जो हिट कला मध्यरात्रि हिट कला परे निश्चित भाव जो साइक्लोन हिट करे स्थल भाग छुए तार प्रभाव प्रकोप किसी समय पर रहे कि परवर्त पर्याय देखिए धीरे धीरे प्रशमित हुए ताकि सका जहाँ आईएमडी बुलेटिन था से एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन से हिट कर जो आम कही पार अति तीव्र बेगर से हिट कर बर्तमान धीरे धीरे तार प्रकोप कमुची जिते स्थल भाग भितर को से पशिव गोटे पर गोटे जिला क्रस कर राज्य क्रस कर निश्चित भाव पुणी पूर्व स्थिति जो सक्रिय होता जो मोड रे सक्रिय होता धीरे धीरे कम कि बर्तमान पर्यंत 60-70 किलोमीटर अधिक पवन रही जो भाई भाव से आगो को अग्रसर हो कहीं 14 जिला गुजरात 14 जिला अफेक्ट हो सबुठ अधिक आम कही पार अहमदाबाद अफेक्ट होती अहमदाबाद विमान सेवा को बंद दी अधिक वर्षा रेकर्ड कर गत काली आम देखते मुंबई में किभली भाव तांडव रची मुंबई में गुजरात में हिट कला कि जीरो काजुआलिटी रही किंतु मुंबई रे हिट न करबा सुते सुधा मुंबई रे जहां सूचना रहुची गत काली 6 जनकर मृत्यु होइतला एवं पूरा संपूर्ण जो कोस्टल बेल्ट रहिची पश्चिम भारत रो सबु जगह रे कोटना कोटी सामान्य हो बा अधिक हो अफेक्ट करिची अनेक जगह रे गच्छ भांगी की पड़िची एबे भी मध्य पूरा जदि कहि परबा सफा हेई नै कहिना गत काली हिट करछ आज युद्धकालीन भितर एनडीआरएफ कुंतु एजीआरएफ कुंतु लागि रहिछन्थि किबळ भाबे सफा कार्य करा जिवो एवं सबुठ वर्तमान गोटे चैलेंज सृष्टि हिछि सरकारक पई कहिना जो अनेक लोक रहिछन्थि जो माने नॉन ऑफिशियली मध्य सरकार पाखरे सूचना नै जे केते लोक समुद्र रे पछि होइछन्थि जेंते सूचना आस्तला जे आईएनएस जो रहिछि ओके गगन फेरिबो खूब शीघ्र आपनको पाखको आवश्यकता गुजरात रो विदेशी साहु जने स्थानीय बासिंदा रहिछन्थि
କହୁଛନ୍ତି ଯେତୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଚେଠାରେ କେମିତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ତାଉତେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତାଉତେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଉତେ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାଉତେର ପ୍ରଭାବ କମିଲାଣି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ତାହୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ କମି ନାହିଁ ରାତି 11ଟାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଇଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ବହୁତ ରାତି ସାରା ପାୱାର ନଥିଲା ଏବେ ସକାଳୁ ପାୱାର କନେକ୍ସନ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଗୁଜରାଟର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ପବନ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନୁକସାନ ହେଇଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପବନ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏତେ ମାନେ ପବନର ଗତି ଅଛି ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପବନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲକନରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହୁଛି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ହଲୁଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶ ବାବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୁଜରାଟର କେଉଁଠି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରତର ସୁରତରେ ପାଣ୍ଡେସରା ବିସ୍ତାରରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡେସରା ଅଞ୍ଚଳ ଓକେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦେଶୀ ସାହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଭଳି ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେପଟେ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୁଜରାଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସତେ ସକାଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିବେଦିତା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିବା ଆଉ କିଛି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତୀ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେମିତି ଅପୂର୍ବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଉତେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ତାଉତେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଅପୂର୍ବ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରୋନା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସମାନ ଭାବେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ କରିବା ଆମ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ବିଲକୁଲ କିନ୍ତୁ କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ନିବେଦିତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠିକ୍ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ କାହା ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିଲା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗଛ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି କବିତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏଇ ନେଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ମଗାଯାଇଛି ବିଭାଗ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଯଦି କହିବା କି ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି DHSE ଆଉ ଯଦି କହିବା କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ତା'ର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ଯଦି କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ହୋଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରିଥିଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯଦି କହିବା ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
मोबाइल नथाय इंटरनेट सेवा नथाय तो सेमाने बाधाप्राप्त होइथाय सेमानको पई सरकार कोन व्यवस्था करबे गुटी प्रश्न उठछि आउ जदि कहबा वीडियो क्लास कथा ते गत वर्ष जोंभली भाबरे शिक्षक विभिन्न विभाग रो जो शिक्षक शिक्षयित्र रहिछन सेमाने छात्र छात्रि मानको नेके गुटी ग्रुप तयार करा जितला व्हाट्सएप रे गुटी ग्रुप करा जितला ग्रुप रे पिला माने रहुतले तापरे वीडियो क्लास आरंभ होतला ता सहित अलग पोर्टाल रे परवर्ती पर्याय रे तको अलग पोर्टाल रे पका जाउतला तापरे पिला माने सेथरो डाउनलोड करके मध्ये पढ़ी पारुथले जो भले ए वर्ष मध्ये से भले व्यवस्था करा जाइछि किंतु केते दूर एहा कार्यकारी होउछि पिला माने केते ग्रहण करि परछन्ति केते विभाग भुवनेश्वर रे बसि निर्देश देउछि निष्पत्ति निया जाउछि किंतु उपांत अंचल रे केभले भाबे जो समस्या पूर्व वर्ष देखा देतला ऑनलाइन क्लास को नै कि ताहार केभले समाधान करछि से नै विभाग किछि निर्दिष्ट ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करछि कि नै प्री प्लानिंग करछि कि नै ता पर मध्ये समस्तक नजर बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व नियंती नजर मध्ये रहिबो तबे प्रकृत रे जेमति आपण जेमति कहुथले जे भुवनेश्वर बसि निर्देश दिया जाउछि किंतु ग्राउंड जोरे कोन स्थिति कोन ता उपरे मध्ये सरकार को नजर रहबा दरकार एवं सरकार एथि प्रति दृष्टि देबार प्रति आवश्यक रहिछि अपूर्व अबे जेमति ता परवर्ती खबर रखिछन जे संक्रमण खर्सिला खोर्धा को कटक टपिला आपण जानिथिबे अपूर्व जे वर्तमान राज्य रे जो स्थिति रहिछि जा विशेषज्ञ बारे जे आकलन करुथले जे पूर्वरु जे मे मास रे स्थिति टिके गंभीर होइब तेणु या को किबळी भाबे राज्य सरकार कंट्रोल करुछति ये एक बड़ चैलेंज रहिब यारी मध्यरे गतकाली आपण जानिथिबे सर्वदलीय बैठक बसीथिला अनेक एक्शन प्लान प्रस्तुत करा जायछि जे किबळी भाबे कंट्रोल कोना जिबा विशेष करी अपूर्व आपण जानिथिबे जे किबळी भाबे वर्तमान सहर रु जाई ग्रामांचल रे प्रवेश कलानी कोरोना अर्थात जे पूर्वरु जहा कह जाउथिला जदि ग्रामांचल रे कोरोना प्रवेश करे तबे स्थिति आहुरी सांघातिक हेबो एवं या को केमती कंट्रोल करा जिबो ये सरकार को पई चैलेंज रहिब आम सहित इमरान खान कटक प्रतिनिधि जोड़ी बाबद आलोचना करने इमरान आपड़ जानते हैं वर्तमान राज्य में जो स्थिति जहाँ आकलन कराला जे मे मस स्थिति गंभीर हेब एवं वर्तमान जदि देखा जे खोर्धा ठारूँ कटक टपिगला जे असुविधा क्योंटे रोचे कौन राज्य सरकार केते प्रस्तुत आ विशेषकर कटक प्रशासन केते प्रस्तुत देखो निवेदिता जदि आप देखिए गत कालीर तथ्य जहाँ आम कौन तापर बर्तमान आलोचना चलती कटक कटक जिले में सर्वाधिक 973 जन संक्रमित गत काली चिन्हट होते जेहेतु आप जानते मे मस प्रारंभ संक्रमित संख्या वृद्धि पावर लगी प्रतिदिन 10 रु 12 हजार संक्रमित चिन्हट होती समग्र राज्य खोर्धा जिला सुंदरगढ़ जिला और तापर कटक जिला ये तीनो जिले में संक्रमित संख्या प्रतिदिन वृद्धि पाता तीनो टकरा टुकरी दिन तीनो जिला मान भर टक्कर चलता तृतीय स्थान में कटक रोला कि गत काली देखिए जहाँ राज्य सरकार के पक्ष तथ्य दी जाए से कटक जिला सर्वाधिक रही शीर्ष रही है 973 संक्रमित चिन्हट होता है भितर 1052 जन सुस्थ होते कि कटक जिले में कौन से मृतक संख्या किसी ना और गत काली कौन लोक कटक जिलूर कोरोनार मृत्युवरण करना जहाँकि कटक जिला प्रशासन पक्षर तथ्य दि जाइए अंपटे जदि आप देखिए जदिव संक्रमित संख्या कटक जिले में बर्तमान बढ़ी और ग्रामांचल खास करके संक्रमित संख्या अधिक बढ़ुची और गत काली जो 973 जन थे भितर कटक सहरांचल केवल पाखापाखि 379 जन थे कटक ग्रामांचल 569 जे प्रकृत रे कटक रे केमती कंट्रोल करा जिवो राज्य सरकार केते प्रस्तुत हेबो जते बेले आपण जेमती कहुथिले जे तीनोटी जिला प्रमुख थिला जे सुंदरगढ़ सेकेंड रे रहितला खोर्धा एवं थर्ड रे कटक रहितला किंतु वर्तमान खोर्धा को मात दे कटक प्रथम को आसीछि एवं स्थिति कटक रे वर्तमान सांघातिक होछि बहुत धन्यवाद इमरान खान हमर कटक प्रतिनिधि दास तो कामस्त आलोचना करथिले तबे समय आ एक ब्रेक रो ब्रेक परे अपूर्व खूब शीघ्र फेर बिल्कुल पुणि थे स्वागत सतेज सकाल को ब्रेक पूर्व आप देखते जे कटक के भावे खोर्धा को टपी करोनार प्रथम पहुंची किंतु से प्रथम केवे भी कटकवासी को खुशी आनी दे नतेबे कौन कार्य प्रथम जो खुशी आनी दिए किंतु कटक जो करोनार प्रथम पहुंचे कौटि ना कौटी कटकवासी चिंतित थे जी 90 दिन पारोल जी 449 कैदी मन थी आप झारपड़ा जेल जन कैदी करोनार मृत्यु होता है और एपर्तंत जहाँ सूचना आँचुच्छे 300 रु अधिक अंतवासी कैदी एपर्तंत पॉजिटिव सूचना आसवापर विभाग नीत भांगी शेष 90 दिन पारोल 449 कैदी जीवे विभाग निष्पत्ति मलय भोई आम संबलपुर प्रतिनिधि अच्छा मलय विभाग नीत टे डेरी में भांगला कि कारण जड़े कैदी मृत्यु होपटे विभिन्न जेल रु अनेक अंतवासी पॉजिटिव चिन्हट होती टी डेरी हो गला
तो 449 कैदी 90 दिनिया पारोल जिबे किंतु बड़ कथा निवेदिता एहा होची जे पूर्व वर्ष जेते लॉकडाउन आसतिला किछि कैदी पारोल जाइथिले तापर फेरी नथिले सेमानकु केबले फिराजिबो पूर्णथरे जेल को आसिबे ताहा मध्य विभाग रो चिंता बढेबो छाडी देबा बड़ कथा नो सेमाने 90 दिन परे पूर्णि फेरुछन्दि कि नै ताहा पर मध्य नजर रखाजिबार आवश्यकता रहिछ नियंती अपूर्व आपण जानिथिबे जे प्रथमे केमति जदि कहबा बलांगीर कथा कहबा एवं परे गंजाम कथा कहबा एवं राज्य तमाम सबु जगार वर्तमान जो कैदी माने रहिछन्ति विशेष करि जो कैदी मानक नारे अनेक अभिजोग रहिछि अनेक क्राइम रहिछि जे सेमाने केबले बाबे अछन्ति तांकु जदि पारोल ले अणा जाय तबे आहुरी स्थिति मध्य अपूर्व गंभीर होबार संभावना मध्य देखा देउछि बिल्कुल तो कैदी 449 कैदी को छाडीबा पई निष्पत्ति नैछन्ति जेल विभाग नैछि किंतु सेमानकु छाडीबा परे पुणी थरे केमले आसिबे जेल को ता मध्य चिंता करिवार आवश्यकता अछि गतकाले आउ मध्य सर्वदलीय बैठक बसिथिले आउ एक बड़ स्टोरी अछि निवेदिता जे घरे घरे जांच करिवे आशाकर्मी गतकाले सर्वदलीय बैठक परे मुख्यमंत्री घोषणा करिछन्ति दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि अछन्ति सीधासलख नै चलुछु अधिक सूचना पई दिव्य विरोधी दल नेता उपनेता असंतोष प्रकाश करिछन्ति किंतु राज्य सरकार एमेतरे ब्लूप्रिंट करिछन्ति जे आशाकर्मी घरे घरे पहुंची जांच करिवे पूरा अपडेट कोंतु तो राज्य सरकार गतकाली बैठक परे सर्वदलीय बैठक परे कोन सब नुवा निष्पत्ति नैछन्ति देखंतु अपूर्व निश्चित भाव में चोर गला परे बुद्धि दिशा भली राज्य सरकार को जोबले गाँ स्थित गुरुतर होतीपर बुद्धि दिशी राज्य सरकार गोटे डिसीजन नहीं जो थे गत काली सर्वदल बैठक पर जो निष्पत्ति आप देखिए कहा जाए 24 तारीख पर आशाकर्मी एएनएम कर्मी मैंने प्रति गाँ गाँ बुलवे और समस्त घर को जांच करेंगे कौटी कह रण लक्षण अच्छी कह रही ज्वर हो प्रत्येक दिगक से माने निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देते तो यही जो घटना वर्तमान राज्य सरकार यह पदक्षेप नहीं समस्ते कहते यह विलंब हो जाए पूर्व आप देखिए प्रथम लहर समय आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी मैंने प्रथम रु घर घर बुलूते लोक मानकर कौन लक्षण रही किए ज्वर काश थंडा कह कि रही ना से विषय रिपोर्ट आणुते सबमिट करुले किंतु जितेबाड़ गाँ स्थित गुरुतर हो पूर्वर एने स्वास्थ्य विषय मैंने चेचा देते सरकार को गाँव स्थिति गाँव में संक्रमण बढ़ो किंतु सरकार कौन से पदक्षेप नहीं नथिले जितेबाड़ विरोधी यहाँ नहीं सरकार को चेचाई थे विरोधी यहाँ अभियोग करते गत काली राज्य सरकार सब बैठक डाकते से निष्पत्ति तीन मस आशाकर्मी और एएनएम कर्मी मैंने घर घर बुलवे जोपाई से पारिश्रमिक हिसाब से मसक 1000 टंका लेखा दिज्व अंपटे गाँ कल्याण समिति गठन जो गाँ कल्याण समिति गुड़िक रही सेगुड़ सक्रिय कराई कोविड मैनेजमेंट ग्रहण करेंगे से 10000 टंका लेखाएं सहायता राशि दिज्व से भाई जो आशाकर्मी मैंने संगरोध में रोकता व्यक्ति विशेष पाक जाऊँ ट्रिटमेंट कर 10000 टंका दिज्व से सैकेल और जहाँ जोता छता जहाँ भी किसी आवश्यक सरंजाम रही किए कि सब बड़ कथा हूँ विरोधी मैंने जो प्रसंग गत काली सर्वे बैठक में उठाई से प्रसंग गुड़ी सरकार गुरुत्व देना बीजेपी पक्ष उठाइला यह प्रसंग जो थे कहता है गाँ स्तर में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी गठन करा जो थे समस्त राजनैतिक दल कर्मी मान सामिल कर जो सामाजिक कर्मी मैंने अच्छा जो मैंने बुद्धिजीवी मैंने अच्छा समस्त को नहीं आम कोविड मुकबिला करवा किंतु जेहेतु यह प्रसंग को सरकार गुरुत्व देना जोपाई विरोधी दल उपनेता कहते जे सरकारी बाबू मान को नहीं सरकार कोविड मैनेजमेंट करने चाहते जोपाई विरोधी दल को विश्वास को नेउना यह सब संगीन अभियोग था अंपटे कांग्रेस विधायक नेता नरसिंह मिश्र सामान अभियोग आनते जे सरकारी अधिकारी द्वारा परिचालन करा सरकारी अधिकारी द्वारा प्रशंसा साउंटापी ये सर्वदलीय बैठक था विरोधी प्रसंग को कौन से गुरुत्व दिगला ना विरोधी को यह कह सुजोग दिगला ना बोली अभियोग आसी जोपाई विधानसभा बैठक तुरंत डाकियापी उभय बीजेपी और कांग्रेस मत रखिंट विधानसभा बैठक डाक समस्त विरोधी और शासक दल जो विधायक मैंने अच्छा जहाँ भी उद्वेग अच्छी नोट करी तार कि समाधान कर दिगरे प्रस्ताव देते कि सरकार ग्रहण करना डेरी हेले राज्य सरकार चिंता पशिची और गाँ कल्याण समिति गठन हो आशाकर्मी घरे घरे पहुंचे किभली भाव करोनार सुपरिचा नियंत्रण से सूचना दि जाए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देते निहांती ते अपूर्व कटक जा कटक आम प्रतिनिधि रही सहित आलोचना करवा प्रकृत में जे जो राज्य सरकार जो बैठक कले जे बैठक में कौन सब निष्पत्ति निगला प्रकृत में जमती कि आलोचना करूँ अपूर्व जे
କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, କେମିତି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହା ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆସୁଥିଲା। ନିବେଦିତା ଯେ ମହାନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ କବାଡ଼ିଆ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ମହାନଦୀରେ କୋଭିଡ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ପରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ, କେବଳ ଜଗତପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାର କେଉଁଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ? କବାଡ଼ିଆ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 6 ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ଜନିତ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅସାଧୁ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ମାଲିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କବାଡ଼ି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପିପି କିଟ୍ ହେଉ, କେବଳ ସାଲାଇନ୍ ରଖି ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସହର ଯେଉଁ ଜଗତପୁରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ପିପି କିଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସହରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଗତପୁରବାସୀ ନୁହଁ, ପୁରା କଟକ ସହରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଯେତେ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ମହାନଦୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଅନେକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗାଈ ବି ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ମାଲିକ ଏବଂ କିଛି କବାଡ଼ିଆ ମିଲି ଭଗତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏପଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଜଗତପୁରବାସୀ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜଗତପୁର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ପେପ୍ସିର ଯେଉଁ ସୋରୁମ ଗୋଦାମ ରହିଛି, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ବାଟ ଦେଇକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିପି କିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି ଜଗତପୁରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କରେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଆଉ କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ କେବେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି କବାଡ଼ିଆଙ୍କ ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ନିବେଦିତା, ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା, ଆଉ କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।